हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूं लैपटॉप की रैम कैसे अपग्रेड करते हैं। गाइस, लैपटॉप की रैम अपग्रेड करना बहुत ही इजी होता है। अगर आप मेरे बताए हुए स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आप खुद ही अपने लैपटॉप की रैम अपग्रेड कर सकते हैं। तो गाइस, रैम को अपग्रेड करने से पहले आपको दो पॉइंट्स को हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो आपको पता होना चाहिए आपके लैपटॉप में कौन सी DDR की रैम लगी हुई है, DDR2, DDR3 और DDR4, क्योंकि सेम DDR की ही रैम आपके लैपटॉप में लगेगी। दूसरा पॉइंट है, आपको सेम रैम ही लगानी पड़ेगी जो आपके लैपटॉप में पहले से ही लगी हुई है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके लैपटॉप में सैमसंग की DDR3 रैम लगी हुई है और दूसरी आपने तोशिबा की लगा दी तो वो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगी, तो आपको सैमसंग की ही सेम मॉडल की रैम लेनी पड़ेगी, तभी वो डुअल रैम में वर्क करेगी। मैंने भी सेम मॉडल की, सेम DDR की रैम परचेज किया है फ्लिपकार्ट से। तो आपको अपने लैपटॉप में चेक करना पड़ेगा कि आपके में कौन से मॉडल की रैम लगती है, और अगर आपको अपने मॉडल की रैम नहीं मिलती है तो मैं आपको एक सजेशन दूंगा, आप दो न्यू रैम ले लें सेम मॉडल की, वो आपको ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देंगी अलग अलग रैम से। चलिए अब करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले अपने लैपटॉप के सारे स्क्रू खोल लेंगे। जब तक स्क्रू खुल गए हैं, मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूं। गाइस, हमारे चैनल पर गिव अवे चल रहा है, और आपने अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया तो पार्टिसिपेट जरूर करें। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पैसा ही पैसा होगा। एंड गाइस, इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, तो आप थोड़ा पेशेंस रखना, जल्दबाजी मत करना, क्योंकि जल्दबाजी में आपकी चीज़ें खराब हो सकती हैं, तो आप समझ ही गए होंगे। ये मैंने सारे स्क्रू खोल लिए हैं, साइड से DVD राइटर बाहर आ गया है, और इसके नीचे भी स्क्रू हैं, वो भी खोल लेंगे। अब मैं स्केल की हेल्प से धीरे धीरे इसको खोलना स्टार्ट करूंगा। स्केल आपको ज़्यादा अंदर नहीं करना है, क्योंकि अंदर वायर भी हो सकती हैं, तो आपको स्केल की टिप यूज़ करके ही खोलना है। अब लैपटॉप धीरे धीरे खुलना स्टार्ट हो गया है। जिस साइड आपका DVD राइटर है, सबसे पहले उस साइड को उठाएंगे और हल्का सा पुश कर देंगे, जिससे पोर्ट्स वाली साइड इजीली खुल जाएगी। अगर आप उल्टा करेंगे, पोर्ट्स की साइड से खोलेंगे, तो आपको थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है और कुछ टूट भी सकता है। जिस तरफ आपका DVD राइटर है, उसी साइड से खोलें। लैपटॉप का बैक कवर खुल गया है, नीचे लगा हुआ है स्पीकर का कनेक्टर, उसको भी ध्यान से हटा देंगे। अब हमारा कवर खुल गया है। यहाँ पर लगी हुई है रैम, और मैंने सेम मॉडल की रैम परचेज की है। जो आप ये कट देख रहे हैं, ये सारी DDR में अलग अलग जगह पर होता है, तो आपको जो दो स्टार्टिंग में पॉइंट्स बताए थे उनका ध्यान रखना है। चलिए अब लगाते हैं अपनी दोनों रैम को।
बैक कवर को बंद करने से पहले स्पीकर का कनेक्टर भी वापस लगा देंगे। जिस साइड पोर्ट्स हैं उस साइड को पहले लगाएंगे, फिर डीवीडी वाली साइड्स को बंद करेंगे। लैपटॉप अच्छे से बंद हो गया है और अब सारे स्क्रू लगाएंगे। गाइस हमारी रैम लग चुकी है, अब मैं आपको चेक करके भी दिखा देता हूँ। तो गाइस हमारी रैम परफेक्टली वर्क कर रही है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और गिव में पार्टिसिपेट जरूर करें। हमारे चैनल पर आपको ऐसे ही यूजफुल वीडियो मिलती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।